आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कार कंपनियां कौन कौन सी हैं। मैं आपको 20 कार कंपनियां बताऊंगा जिनकी इतनी इतनी यूनिट बिके अक्टूबर के महीने में। तो जानते हैं 20 कार कंपनियों के बारे में। इस लिस्ट में नंबर वन पर वो कार कंपनी आएगी जिसकी सबसे ज्यादा यूनिट बिकी है, और 20वें नंबर पर वो आएगी जिनमें सबसे कम बिकी है। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। ऑडी। ऑडी एक जर्मन कंपनी है जो कि कार बनाती है, और एक लग्जरी कार ब्रांड है ये। इस कंपनी की सभी कारें लग्जरी ही हैं, और इस कंपनी के अक्टूबर के महीने में 6 यूनिट बिकी है सभी कारों की जो कि इंडिया में मौजूद हैं। 6 कारें बिकी हैं अक्टूबर के महीने में। क्रे पोर्च। पोर्च भी एक जर्मन कंपनी ही है ये कंपनी जो कि स्पोर्ट कार बनाती है, और अक्टूबर के महीने में 19 कारें बेची हैं इस कंपनी ने। फ्रेई फोर्स मोटर्स, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि महंगी कारें ही बनाती है। इस कंपनी के अक्टूबर के महीने में 116 यूनिट बिकी हैं, यानी 116 कारें बेची हैं इस कंपनी ने अक्टूबर के महीने में। फ्रेई वोल्वो। वोल्वो एक स्वीडिश कंपनी है जो कि इंडिया में भी अपनी कारें बेचती है, और अक्टूबर के महीने में 137 कारें बेची हैं इस कंपनी ने। फ्रेई जैगवार और लैंड रोवर जो कि एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है, इस कंपनी के अक्टूबर के महीने में 151 यूनिट बिकी है कारों की। इसमें दोनों कंपनी आ गई, जैगवार भी और लैंड रोवर भी, 151 कारें बेची हैं जिन्होंने। फ्रेई वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन 15वें नंबर पर आई है जो कि एक जर्मन कंपनी है। ये कंपनी इंडिया में काफ़ी मजबूत कारें बनाती है, और अक्टूबर के महीने में 254 कारें बेची हैं इस कंपनी ने। फ्रेई बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू कंपनी की कारें महंगी होती हैं क्योंकि एक लग्जरी कार है, और काफ़ी अच्छी कारें बनाती है बीएमडब्ल्यू। इस कंपनी की अक्टूबर के महीने में 573 कारें बिकी हैं। फ्रेई निसान कंपनी। निसान एक जापानीज कार ब्रांड है जो कि जापान की एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, और इस कंपनी की अक्टूबर के महीने में 649 कारें बिकी हैं जो कि इसे 13वें नंबर पर लाई हैं। फ्रेई मर्सिडीज बेंज, यानी कि निसान से ऊपर है क्योंकि निसान की कार इतनी महंगी नहीं है जितनी मर्सिडीज बेंज की हैं। मर्सिडीज कंपनी की सभी कारें लग्जरी हैं और महंगी कारें हैं, और 35 लाख से ऊपर की कारें हैं, और अक्टूबर के महीने में 822 कारें बेची हैं इस कंपनी ने। फ्रेई एमजी मोटर्स, ये एक ब्रिटिश कार ब्रांड है जो कि इंडिया में अपने पैर जमा रहा है, जिसने 2370 कारें बेच दी हैं इंडिया में। जी हाँ, 2370 कारें। अब जो 10वें नंबर पर आया है वो है एस्कोडा। एस्कोडा कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है। इस कंपनी की कारों की बॉडी काफ़ी मजबूत होती हैं, लेकिन इंडिया में इसकी कारें इतनी पसंद नहीं करते, फिर भी 2467 कारें बेच दी हैं इस कंपनी ने। फिर आइए 9वें नंबर पर फोर्ड कंपनी। फोर्ड एक अमेरिकन कार ब्रांड है। इस कंपनी की अक्टूबर के महीने में 4663 कारें बेची हैं। जी हाँ, इसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है इको स्पोर्ट। फिर आइए टोयोटा। टोयोटा भी एक जापानीज कार ब्रांड है, और इंडिया में काफी पॉपुलर है इसकी कारें, जैसे कि फॉर्चुनर, इनोवा क्रिस्टा। ये कंपनी काफ़ी अच्छी कारें बनाती है, और अक्टूबर के महीने में इसकी जो कारें बिकी हैं 6888 कारें बिकी हैं। फिर आइए रेनो कंपनी, जो कि 7वें नंबर पर आई है इंडिया में कार बेचने पे अक्टूबर के महीने के हिसाब से। ये एक फ्रेंच कंपनी है, और अक्टूबर के महीने में 7319 कारें बेची हैं इस कंपनी ने। फिर ये होंडा कंपनी। होंडा कंपनी भी एक जापानीज कार ब्रांड है,
और अक्टूबर के महीने में 7,995 कारें बेची हैं। फिर पांचवें नंबर पर महिंद्रा आई है, महिंद्रा जो कि अच्छी कारें बनाती है और इस कंपनी की कारें काफी पॉपुलर भी हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो, XUV 500, XUV 300, ये इसी कंपनी की कारें हैं और अक्टूबर के महीने में 12,414 कारें बेची हैं इसने, जो कि पांचवी पोजीशन पर आई है। लेकिन महिंद्रा से ऊपर किया निकल गई, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। इस कंपनी के अक्टूबर के महीने में 16,096 कारें बेची हैं इस कंपनी ने। तीसरे नंबर पर टाटा कंपनी आई है, जो कि इंडियन कार ब्रांड ही है और अक्टूबर के महीने में 18,340 कारें बेची हैं इस कंपनी ने। फिर दूसरे नंबर पर हुंडई कंपनी आई है, जो कि एक कोरियन ब्रांड्स है। इस कंपनी के अक्टूबर के महीने में 42,757 यूनिट बिकी है, यानी कि इतनी कारें बिकी हैं इस कंपनी की। और नंबर वन तो आपको पता ही है कि कौन सी कंपनी आएगी, जो कि मारुति कंपनी है। मारुति सुजुकी इंडो जैपनीज कंपनी है, यानी कि सुजुकी है जो जैपनीज कंपनी है और मारुति इंडियन कंपनी है, ये दोनों की पार्टनरशिप वाली कंपनी है और सबसे ज़्यादा कारें इसी कंपनी की बिकती हैं पहले से ही, जो कि 1,24,261 यूनिट बिकी है, यानी कि 1,24,261 कारें बेची हैं इस कंपनी ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप दूसरे नंबर वाली हुंडई कंपनी से ही कंपेयर करेंगे तो काफ़ी फर्क बैठता है। तो मैंने आपको 20 कार कंपनियों की सेल्स बताई है अक्टूबर के महीने की, कि इतनी इतनी कारें बिकी हैं। आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है कार कंपनियों में से, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।